We will continue with the cyclooxygenase cyclo pathway for the formation of the prostaglandins or the eicosanoids. So thromboxane is also formed from the formed via the cyclooxygenase pathway of the eicosanoid formation, and this thromboxane differ from the prostaglandins in that they contain six-membered ring that includes an oxygen atom in it. वहाँ हमने देखा था कि जहाँ पे प्रोस्टक लैंड बनी थी वहाँ पे हमने देखा था कि मेजर स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर जो था वो एक फाइव मेंबर रिंग था जिसके ऊपर नाइन और टेन के ऊपर डिफरेंट सब्सिंट थे जो एक्स और वाई के साथ जिसको हमने डिफाइन किया था जो आइर ओ हो सकता है ओ एच हो सकता है और डिफरेंट उसके कम्बिनेशन हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रोस्टक लैंडिंगस के डिफरेंट नेम्स बन जाते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाते हैं और उसका डिफरेंट जो है ना वो एक्शंस वो परफॉर्म करता है लेकिन थ्रोम्बोक्सेन फॉर्मेशन जो है दिस इज आल्सो फ्रॉम दिस सेम साइकोलॉज पाथवे लेकिन यहां पे जो रिंग है वो मेन उसके अंदर सिक्स मेंबर रिंग है इंस्टेड ऑफ फाइव मेंबर रिंग और इसके अंदर एक ऑक्सीजन लगी हुई है सो वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ थ्रोम्बोक्सेन और थ्रोम्बोक्सेन ए टू वी कैन सी हियर ये स्ट्रक्चर सिमिलर है दोनों में प्रोस्ट में और इसमें लेकिन वहां पे प्रोस्ट पे यहाँ सिक्स मेंबर रिंग था जबकि यहां पे फाइव है वहां पे नाइन और टेन के ऊपर बीस डिफरेंट सब्सियंट थे यहाँ पे नाइन और टेन के साथ एक ऑक्सीजन दोनों के साथ मिला हुआ है और ये सिक्स मेंबर रिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और है सो थ्रोमऑक्सीन हैव अ सिक्स मेंबर रिंग कंटेनिंग एन ऑक्सीजन एटम सब्सियंट्स आर आल्सो अटैच्ड The ring at the carbon atom number 9 and 11. In case of thromboxane A2, which is shown here, an oxygen atom connects between the carbon atom number 9 and 11. In 9 or 11 kidriminan a core carbon atom which connect karvara. So this is the main difference between the thromboxane and the prostaglandins. Biosynthesis of prostaglandins and thromboxane. दो डिराइव फ्राम द एगडोनिक एसिड आर द टू सीरीज और द सेकेंड सीरीज और द्रोबोक्सैन ए टू और प्रोस्टगलैंड ई टू हमने इसको सीरीज पिछले में डिफाइन किया है कि जिसको हम पी जी ई वन कहते हैं वो वन सीरीज है उसी तरह थर्म्बोक्सन ए वन इज दन सीरीज प्रोक्सटलैंड ई टू इज फॉल बिटवीन इन द सेकेंड सीरीज सिमिलरली थ्रोबोक्सैन ए टू फॉल्स इन द सेकेंड सीरीज सो सीरीज को हमने इस तरह डिफाइन किया कि जो, जिस तरह उसके जो नोमेरिक नंबर है उसी तरह हम उसकी उसको वो सीरीज कह देते हैं जिस तरह फ्रोम ए टू है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ई टू है सो दू और थ्रोम ए टू एंड प्रोस्ट ई टू आर डिस्क्राइब हियर इन दिस मॉड्यूल बिकॉज दन सीरीज एंड द्री सीरीज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन ह्यूमन्स

रोक देते हैं वहां पे उस पर्टिकुलर स्टेप पे तो वो कॉक्स इनिबिटर्स कहलाते हैं इसकी फर्दर टाइप्स हैं कॉक्स और कॉक्स टू इनिबिटर्स डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि दिस इज़ बियॉन्ड दिस कोर्स सो इनिशियल स्टेप विच इज कैटेलाइज बाई साइक्लोक्स फॉर्म एंड एड्स फोर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू बिटवीन कार्बन आइटम नाइन एंड अलेवन एंड टू एट कार्बन आइटम नंबर फिफ्टीन ऑफ दें फॉर्म दैंडिंग G2 तो so, सबसे पहले क्या बनेगा प्रोस्टक G2 बनेगा जिसके अंदर एक फाइव मेंबर रिंग है फाइव मेंबर रिंग के ऊपर के भी दो कार्बन दो ऑक्सीजन लगी हुई है और दो ऑक्सीजन जो है स्ट्रेट चेन जो है उसके ऊपर फिफ्टीन में भी लगी हुई है

थ्रोम्बोक्सेन अब क्या हुआ जो 20 कार्बन फैटी एसिड आया उससे साइक्लोऑक्सीजेनेस पाथवे शुरू हुआ साइक्लोऑक्सीजेनेस पाथवे में सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बना प्रोस्टाग्लैंडिन G2 से एक ऑक्सीजन निकला तो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बन गया और प्रोस्टाग्लैंडिन H2 प्रिकर्सर है बाकी सारे प्रोस्टाग्लैंडिंस का और सिमिलरली थ्रोम्बोक्सेन का वी विल सी इन दिस स्लाइड इन डिटेल सो रेक्टोनिक एसिड एंड दिस इज दाइक्ल ऑक्सीजन पाथ पे तो हमने डिफाइन किया था कि इसके अंदर चार ऑक्सीजन एटम्स लगने हैं दो ऑक्सीजन ये फाइव मेंबर रिंग बना क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंड जी टू है जबकि सिक्स मेंबर रिंग हमने बोला थ्रम्बॉक्शन में लगेगा यहां पर दो कार्बन नाइन और अलेवन के दरम्यान लग गए और दो कार्बन फिफ्टीन के स्ट्रेट चेंज के ऊपर डबल ओ एच के साथ ये दो कार्बन यहाँ दो ऑक्सीजन यहां पर लग गए नाइन तो और इलेवन के दरमियान दो ऑक्सीजन लगे और दो ऑक्सीजन अटैच हो गए एट कार्बन एटम नंबर फिफ्टीन अब ये इसका नाम एक्ट्रॉनिक पी जी प्लस्टिंग जी टू पी जी जी टू इज रिड्यूस्ड ये रिड्यूस होगा इन पी जी एच टू में क्यों रिड्यूस हुआ कि यहां से एक ऑक्सीजन हम देख रहे हैं कि यहाँ एक ऑक्सीजन कम हो गया सो पीजी जी टू इज रिड्यूसड टू पी जी एच टू और इसको रिड्यूस किसने किया glutathione this is the glutathione this is reduced glutathione which is oxidized and it is converted into oxidized glutathione so the action of glutathione is here to reduce the prostaglandin g2 into prostaglandin h2 a prostaglandin h2 commonly precursor of the prostaglandins ka. the next step is the tissue specific but tissue specific. Hain. For example, prostaglandin H2 or PGH2 may be reduced to PGE2 or pgd 2 by specific isomerases, or these are also known as prostaglandin synthase or PGD synthase or PGE synthase, respectively. This is the formation of different prostaglandins from the parent compound which is. पीजी एच टू हमने कहा था कि प्रेगडॉनिक एसिड पी जी जी टू में कन्वर्ट हुआ पी जी जी टू से फॉरन पी जी एच टू में जो है ना वो बन गया पी जी एच टू जो है वो बाकी सारे कंपाउंड्स को बनाने का रिस्पॉन्सिबल और उसका पेरेंट कंपाउंड इज पी जी एच टू है सो वी कैन सी हियर दैट पी जी एच टू कैन फॉर्म फॉर्म बाई दीजी आई और प्रोस्टाग्लैंडिन आई सेंथसेस इन टू आई टू विच इज Known as the prostacyclin. Similarly, PGE synthase form PGE2 and PGD and so on and so forth. This PGE2 is converted into PGF2 alpha. So this is the formation of different types of prostaglandins or eicosanoids from PGH2. We have that PGH2 itself is the thromboxane banta. तो पी जी एच टू में या पी जीज में या प्रोस्ग में हमने बोला था फाइव कार्बन रिंग्स हैं और उसके ऊपर पी जी जी टू में जो है यहाँ पे दो ऑक्सीजन थे और यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन थे जबकि ये रिड्यूस हो गए पी जी एच टू में बना तो यहां से एक ऑक्सीजन निकल गया अब ये थ्राम्बॉक्सैन सेंथेज ने इस पर एक्ट किया और अल्टीमेटली ये सिक्स मेंबर रिंग बन गया और ये जो दो ऑक्सीजन थे ये एक इस रिंग के अंदर आके सिक्स मेंबर रिंग बन गया और दूसरा ऑक्सीजन जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया इस नाइन और 11 के दरम्यान सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ थ्रोम्बोक्सेन ए टू एंड दिस थ्रोम्बोक्सेन ए टू इज फॉर्म फ्रॉम पेरेंट कंपाउंड ऑफ एग्डॉनिक एसिड एंड दास्टाग्लैंड बाई पाथवे